आज 14 फरवरी है और ये बुधवार का दिन है। आज रेवती नक्षत्र शाश्वत नक्षत्र है, पंचमी तिथि है और ब्रह्म मुहूर्त लगभग 5 बजे शुरू हो रहा है और सूर्यास्त लगभग 6 बजे हो रहा है। आज श्री सरस्वती पूजा है और श्री वसंत पंचमी भी है। आज श्री विष्णुप्रिया जी का प्रकट दिवस भी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भी अप्रकट दिवस है, रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रकट दिवस है, रघुनंदन ठाकुर का प्रकट दिवस है, पुंडरीक विद्यानिधि जी का भी प्रकट दिवस है। तो हम इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले सरस्वती पूजा के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले हम आचार्यों के बारे में कुछ कुछ चर्चा कर चुके हैं पहले। तो सरस्वती देवी, ऐसा आप सब लोग जानते हैं, सरस्वती देवी की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं और इनका आशीर्वाद हर भागवतम क्लास में लिया जाता है। नमस्ते सरस्वती। जब हम श्रीमद् भागवतम की क्लास शुरू करते हैं, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जया मुदीरये। जब भी क्लास शुरू होती है तो हम इसको शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु को भी अवसर मिला था सरस्वती देवी के ऊपर कृपा करने का, जब वो केशव कश्मीरी से, जो कि सरस्वती देवी के भक्त थे, जब उन्होंने केशव कश्मीरी से शास्त्रार्थ किया था और उनको हरा दिया था, तो केशव कश्मीरी ने बाद में जा करके सरस्वती देवी से पूछा कि ऐसा क्या है कि ये व्यक्ति से मैं जीत नहीं पाया। तो सरस्वती देवी ने ये बताया कि ये जो व्यक्ति है ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये परम भगवान है, ये मेरे लिए भी आराध्य है, इसलिए आप इनको हरा नहीं पाओगे। फिर तो सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं और तो सारे स्थानों पर आज इसको मनाया जाता है, स्कूल कॉलेजों में आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े स्तर पर सरस्वती पूजा की जाती है। हमारे IIT मंडी में भी इसको बहुत अच्छे से मनाया जाता है, तो स्टूडेंट्स ही इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एक दो बार मैंने देखा है इसको कैसे, मतलब बाकी सारे कॉलेजेस में भी मैंने देखा है कि सभी स्टूडेंट्स इसको कई जगहों पर ऑफिशियली इसको मनाते हैं। कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि हिंदू धर्म में इतनी देवी देवता क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है कि एक ही व्यक्ति होना चाहिए था, सब उसी के सब वही होता तो ठीक रहता, इतने सारे देवी देवता ऐसा क्यों है। तो हमारा जो सनातन धर्म है ये पॉलीथीज्म जो है, ये पॉलीथीज्म और मोनोथीज्म, ये दो सिद्धांत आते हैं। तो जैसे इस्लाम और अब्राहमिक रिलीजन, जैसे कि क्रिश्चियनिटी इत्यादि, ये लोग मोनोथीज्म पर विश्वास करते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पर मोनोथीजम एंड पॉलीथीजम दोनों ही विद्यमान है। मोनोथीजम इस तरह से कि सभी लोग, सारे जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के भक्त, सारे देवी देवता भी भगवान के भक्त हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कोई कॉलेज है उसमें कोई डायरेक्टर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डायरेक्टर ही सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे एचओडी हैं, बहुत सारे कॉलेज के और भी डिपार्टमेंट हैं, उसके हेड्स हैं, कोई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है, तो कोई जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो उन सबके भी हेड्स। ये जो हमारे धर्म में कई प्रकार के देवी देवता इत्यादि बताए जाते हैं, 35 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, तो ये सारे जो है डिपार्टमेंट होल्ड करने वाले लोग, जो डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं भगवान के अंदर में ही होल्ड करते हैं। जैसे विद्या की देवी है सरस्वती देवी, उस तरह से संहार करता है शिव जी, के साथ साथ शिव जी परम वैष्णव भी हैं, और भौतिक विघ्नों को विनाश करने वाले गणेश जी हैं। तो दीज ऑल पीपल फॉल इन द स्ट्रक्चर ऑफ सनातन धर्म। इट्स नॉट दैट दे आर आउट ऑफ सनातन धर्म। तो कुछ लोग ये आते हैं वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा बेकार है, जैसे आर्य समाज के लोग जो हैं वो कहते हैं कि बेकार है सब कुछ। लेकिन जो सनातन धर्म है वो किसी भी चीज को बेकार नहीं कहते, वो कहते हैं कि हर एक चीज का एक किरदार, कोई व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, तो चलो ठीक है भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, किसी प्रकार से परोपकार करके वो अपने को सनातन धर्म में बनाए हुए। सनातन धर्म मल्टी लेवल पॉलीथीज्म और ओवरऑल मोनोथीज्म। तो मल्टी लेवल है, इसका मतलब ये है कि कोई किसी भी स्तर पे प्रैक्टिस कर सकता है। इसका कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग मान लो 16 माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो 16 माला नहीं कर रहा है लेकिन कुछ लेवल पे प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी सनातन धर्म में उसको भी एक कैटेगरी दी जाती है। जैसे चांडाल है, कोई कुत्ते का मांस खाता है, बस केवल इतना ही उसका काम है, सनातन धर्म उसको रिजेक्ट नहीं करता। सनातन धर्म ये कहता है कि ठीक है आप इस लेवल पे, आपके लिए भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस, भाई आप चांडाल हैं, कुत्ते का मांस आपको पसंद है तो भी आप इस तरह से अगर जीवन जिएंगे और कुत्ते का मांस भी आप खा रहे हैं तो भी आपको इस तरह से आप जीवन जिएंगे, धीरे 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 करते करते यू विल अपग्रेड योर सेल्फ टू बिकम प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो हम किसी को भी नेगेट नहीं करें, इसीलिए बसंत पंचमी का जो उत्सव, तो सरस्वती देवी ये जो विद्या का डिपार्टमेंट है उसके इंचार्ज और हमारे लिए सभी के लिए उपास्य आदरणीय है। लेकिन ये सभी देवी देवता जो भी हैं आप देखेंगे कि ये सब भगवान की शरण में रहते हैं, ये शुद्ध भक्त हैं। जैसे गणेश जी हैं, विष्णु, ये भगवान शिव जी हैं, ये तो गुण अवतार ही हैं, शिव जी तो गुण अवतार ही हैं, भगवान के ही अवतार हैं। अब ये जो हम कहते हैं ये हम कोई अपने से तथ्य नहीं दे सकते, कोई ये कहे कि इस्कॉन के लोग ऐसे बोलते, इस्कॉन के लोग नहीं बोलते हैं। अगर इस्कॉन के लोग ऐसे सब लोग बोलने लगेंगे तो फिर यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को होने का क्या फायदा है? अगर ऐसे ही बोलना है तो फिर नेतागिरी में जाना चाहिए, तो अगर ऐसे ही बोलना है नहीं, ये लोग जो है शास्त्र में लिखा हुआ है तभी बोलते हैं। शीताशतर उपनिषद पढ़ लीजिए आप, जो विभिन्न हमारे भागवत पुराण इत्यादि जो ग्रंथ है उनको पढ़ेंगे तो हमको क्लियरिटी काफी हद तक आ जाएगी कि अच्छा ठीक है ये सत्य है।
और उसमें भी प्रामाणिक जो ग्रंथ है उनको आप कहेंगे कि क्या प्रामाणिक ग्रंथ है, उसका तो वर्णन भी उन ग्रंथों में दिया हुआ है कि कौन से प्रामाणिक तो यहाँ पर ये जो सरस्वती देवी जो है वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी स्वयं ही इनको प्रकट करते हैं और ये ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। फिर लेकिन ब्रह्मा जी दैव इच्छा से ऐसा होता है कि उनके प्रति आकर्षित होते हैं, बाद में सरस्वती देवी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी के रूप में प्रतिष्ठित होती है। ऐसा यहाँ पर जो ऐसा ये नहीं है कि केवल इस वजह से हो गया कि ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए हैं, ये माया का जो प्रभाव इन लोगों के ऊपर पड़ता है जैसे ब्रह्मा जी शिव जी इत्यादि, ये अगर पड़ता है तो ये बहुत ही श्रेष्ठ कारण से ऐसा होता है क्योंकि तो उस समय सृष्टि कोई और तो रहता नहीं, ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं, तो वो ही सृष्टि कर रहे हैं तो कौन वहां पर रहेगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि का बना हुआ है, बुद्धि जो तत्व है उसका बना हुआ है। तो ये जो ब्रह्मा जी वास्तव में अपनी ऐसे तो मोहित नहीं हो सकते, ये देह देह वाला शरीर होगा तो आकर्षित होंगे, लेकिन ये दैव इच्छा से ऐसा करते हैं। तो आज ये दिन है और श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत ही सुंदर एक लेक्चर भी दिया है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इस तिथि के ऊपर एक लेक्चर दिया है। तो इसी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में भी मनाते हैं, मतलब ये पहला दिन है उत्तरार्ध, उत्तर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग सीजन का पहला दिन माना जाता है भारत में। तो ये जो भारत भूखंड, भारत तो पहले भारतवर्ष पूरी इस वर्ष को कहा जाता था, लेकिन अभी ये भूखंड जो है वो उसमें इसको वसंत पंचमी मनाया जाता है। ये पंचमी तिथि होती है और इस दिन से आप देखेंगे कि स्प्रिंग सीजन शुरू होता है और नए घास इत्यादि निकलती है, नए पत्ते निकलते हैं पेड़ पौधों में, तो आज से जो है बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। ब्रज में आज के दिन भगवान कृष्ण को अलग तरीके से आज ड्रेस किया जाता है, आज उनको पीले फूल भी चढ़ाए जाते हैं और वसंत राग गाया जाता है ब्रज में, और पीले कपड़े और हरे कपड़े, ग्रीन और येलो कपड़े पहनाए जाते हैं भगवान को, और स्त्रियां भी पीले और हरे कपड़े पहन करके मंदिर दर्शन करने जाते हैं। कई स्थानों पर क्रॉप्स के लिए अनाज जो उगाते हैं और खेती के लिए भी गायों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा उत्सव किया जाता है, और विवाह इत्यादि ये सब भी आज के दिन, और आज के दिन ऐसा होता है कि पीली जो सरसों है वो भी निकलना शुरू होती है आज के दिन। तो ये सब के बारे में हमको सामाजिक जो चीजें हैं इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कई जगहों पर एक केसरिया वेश धारण करके केसरिया कपड़े स्त्रियां धारण भी करती हैं और इसको सरस्वती पूजा को मनाया जाता है। बंगाल इत्यादि में ये बहुत ही अच्छे से सरस्वती देवी की स्थापना करके रंगोली इत्यादि के साथ इसको मनाया जाता है। और
और पुस्तकों की उपासना, अपने जो पुस्तकें हैं उसकी उपासना करते हैं। वैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि इस संसार में जो ये विद्या है, ये अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं हम, पढ़ लिख लिए बहुत अधिक लेकिन उसको भगवान की सेवा में अगर हम नहीं लगाते तो फिर वो जो पढ़ाई है वो हमको केवल गधा बना रही है, क्योंकि वो पढ़ाई से हमारा मद बढ़ेगा, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, फिर उसके बाद हम केवल अपमान ही करेंगे। तो इस तरह से सरस्वती पूजा के बारे में, और कई जगहों पर ये होता है कि ये पूजा छोटी जो बच्ची घर की होती है, आसपास की जो छोटी बच्ची होती है उसकी उपासना की जाती है, और फिर उसको जल इत्यादि से उसका छिड़काव करके उसको टीका वगैरह करते हैं, उनको फिर लड्डू और पान ये उनको खिलाया जाता है। आज श्री विष्णु प्रिया देवी का प्राकट्य दिवस है, भी है। भगवान की तीन शक्तियां हैं, भू, श्री और नीला या लीला शक्ति। जो ये लक्ष्मी प्रिया देवी है, ये श्री शक्ति की विस्तार है, और महाप्रभु के गौर नारायण रूप में, क्योंकि तो ये गौर नारायण के रूप में लक्ष्मी प्रिया देवी श्री शक्ति की अवतार है, विष्णु प्रिया भू शक्ति की अवतार है, और नवद्वीप धाम जो है वो लीला शक्ति का विस्तार है। तो क्योंकि राधा रानी तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अंदर उनका भाव था, और गदाधर पंडित जो है वो उनके छाया के रूप में रहते हैं, राधा रानी। तो इसलिए ये जो शक्तियां हैं, ये श्री शक्ति जो है वो लक्ष्मी प्रिया देवी हैं, भू शक्ति जो है वो विष्णु प्रिया देवी हैं, और नवद्वीप धाम जो है वो लीला शक्ति के रूप में है। तो जब लक्ष्मी प्रिया देवी का देहांत हो गया, क्योंकि उनका पुत्र जो था वो अभी 18 साल के ही थे, श्री चैतन्य महाप्रभु, तो इसलिए काशीनाथ नाम के एक मैच मेकर से उन्होंने, उनकी माता शची माता ने बात की, और वो कुलक नाम के जो ब्राह्मण थे जो कि सत्यभामा की सत्यराजित के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण का ही जो है अवतार थे, जो कुलक थे उन्हीं का अवतार एक ब्राह्मण जो है वो आते हैं, और फिर विष्णु प्रिया जी का विवाह वहां पर पक्का करते हैं, और काशीनाथ पंडित जो है वो सनातन मिश्र के पास जाते हैं और निमाई और उनके विवाह के लिए बोलते हैं। तो विष्णुप्रिया देवी जो थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, और जब वो गंगा स्नान करने आती थी तो 3 बार वो स्नान करती थी, उन्होंने देखा था इस तरह से सची माता भी बहुत बड़ी भक्त थी। जब सती देवी ने देखा था इस चीज को, उन्होंने पहले भी देखा था, तो इसलिए उन्होंने जैसे ही उनके अवसर आया उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर दिया कि ठीक है, हम विष्णु प्रिया देवी जो हैं को विश्वंभर के पत्नी के रूप में हम स्वीकार करते हैं।
तो ये जो विवाह सेरेमनी थी ये बहुत ही बड़ी विस्तार से चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख आता है। बहुत ही विस्तार से इसका उल्लेख श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, और जो भी कोई इस लीला को सुनता है, लक्ष्मी नारायण का विवाह या फिर विष्णुप्रिया देवी और चैतन्य महाप्रभु का विवाह, वो इस संसार में भोग करने की भावना उसके अंदर से चली जाती है। तो जब इनका विवाह बहुत करीब आ गया तो शास्त्रों के अनुसार भगवान तिथि फिक्स की गई, अधिवास सेरेमनी किया गया। फिर इसके बाद सनातन मिश्र के घर भगवान एक पालकी में बैठ करके शाम को पहुंचे, और भगवान गौर सुंदर और विष्णु प्रिया की पहले द्वार चार लगा, उसके बाद फिर शादी करवाई गई शास्त्रों के अनुसार और उनके जो रीति रिवाज वहां के थे उसके अनुसार। और फिर विष्णुप्रिया अगले दिन भगवान के साथ पालकी में बैठ करके उनके घर शची माता के पास आ गई। जब नई नई ही थी विष्णुप्रिया, तो एक दिन दरवाजे से लड़के उनके जो पाँव में जो बड़ी बड़ी उंगली है, वो पहली उंगली, वो थोड़ी सी उसमें चोट लग गई। और फिर उन्होंने अपने दांत, जब जो दांत से अपने होठों को थोड़ा काटा था, क्योंकि वो उसको सहने के लिए, लेकिन उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है कोई अपशकुन हो, तो वो डर के मारे वो बेहोश हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनके पांव जिसको कि चोट लग गई थी उसके ऊपर अपना पांव रखा और उनकी आंखों में ध्यान से देखा, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। विवाह के बाद महाप्रभु गया गए और वहां जाकर के ईश्वरपुरी से मिले, उनकी दीक्षा हुई, फिर नवद्वीप आए, तो उसके बाद फिर उनको बहुत वैराग्य आ गया था। और शची माता और विष्णु प्रिया दोनों ने ही देखा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद के साथ भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में बहुत आनंद ले रहे हैं, और धीरे धीरे उनको पता चल गया कि निमाई पंडित अब संन्यास लेने वाले हैं। शची माता को लगा कि वो बार बार बेहोश हो जाती, और सची माता को लगा कि अब मेरा जीवन खत्म होने वाला है। उन्होंने निमाई से कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी चले गए और फिर तुम्हारे भाई ने संन्यास ले लिया, केवल तुम्हारा चेहरा देख करके ही मैं अभी जीवित हूं। तो ये हर घर का घर की कहानी है, जब कोई बेटा संन्यास लेता है या ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, तो ये कोई नया नहीं है। घर वाले रोते हैं और बहुत दुख होता है। फिर उसके कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बेहोश हो जाते हैं, किसी किसी को कुछ कुछ रोग हो जाते हैं, तो ये तो होता ही है। लेकिन जब इस तरह से निमाई को चैतन्य महाप्रभु को सची माता बोल रही थी,
फिर अपना सर झुका करके निमाई पंडित सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक साइड में ले जा करके अपनी वास्तविक जो रूप है वो दिखलाया और कहा कि आप अदिति थी, अदिति और कश्यप के रूप में आपने तपस्या करके मुझे अपने पुत्र के रूप में कई बार प्राप्त किया है। जब आप देवहूति बनी तो मैं कपिल के रूप में ही आपके पुत्र के रूप में आया। फिर वामन के रूप में भी मैं आपके पुत्र के रूप में आया। रामचंद्र के रूप में, कृष्ण के रूप में, जब आप देवकी थीं तब मैं कृष्ण के रूप में आपके पुत्र के रूप में आया, और अभी मैं इस संसार, जब मैं इस संसार में विग्रह के रूप में आता हूं तो आप मेरी माँ पृथ्वी के रूप में रहती हैं। मैं जब भगवान अपने नाम के रूप में आता हूं तो आप मेरी माँ जिह्वा के रूप में प्रकट होती हैं। तो जन्मों जन्मों तक आप ही मेरी माता हैं। फिर भी सची माता को बहुत दुख हुआ। जब विष्णुप्रिया 9 साल की थी, जब उनका उनका विवाह हुआ था, और उस समय वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रही, और जब वो 13 वर्ष की हो गई तब वो विष्णुप्रिया आई महाप्रभु के पास। तो और जब वो 13 वर्ष की थी तो आई, तब वो रहने लगी। उस दिन तो वो आ गई थी बस पहले दिन, लेकिन उसके बाद फिर वो चली गई थी और गौना हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो जो बहू होती है, जब वो बड़ी हो जाती है तब वो आती है। तो 14 वर्ष की जब थी तब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कम ही उनसे बात किया करते थे, और ईश्वरपुरी से मिलने के बाद वो बहुत ही कम बात करते थे, और हमेशा ही कृष्ण प्रेम में आनंदित रहते थे। फिर उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि मैं, ये सारे लोग मेरा अपमान करते हैं, ये सारे लोग ठीक से सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये मेरे शब्दों को अच्छे से ले नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे संन्यास लेना चाहिए। फिर उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया और विष्णुप्रिया देवी, गंगा में स्नान किया विष्णुप्रिया देवी ने, जब वो गंगा स्नान के लिए, गंगा के स्नान के लिए जा रही थी, और फिर से उनका पैर जो था वो किसी पत्थर पे लड़ गया। फिर से उनको समझ में आ गया और उन्होंने देखा कि जो नाक में पहनने वाली जो एक नथनी होती है वो स्नान करते समय गंगा जी में गिर गई। वो सब जगह खोज रही थी पर वो नहीं मिल पाई। तो उनको समझ में आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। सची माता को उन्होंने बताया कि, सची माता ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप शांत रहिए। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने देखा कि मैंने कभी भी विष्णुप्रिया को ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात प्रसाद लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनके बाल बनाने लगे और उनको कुछ पान खिलाया। फिर अगले दिन सुबह वो गए
और कुछ दूध अपने शिष्यों से मिले और कुछ दूध और लौकी लेकर के आए, श्रीधर से लेकर के आए। और फिर उन्होंने कहा कि इसकी लौकी की खीर बना दीजिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला। फिर उन्होंने वो विष्णु उस खीर को खाने के बाद विष्णु प्रिया के कमरे में गए और उन्हें एक माला पहनाई, फिर से पान खिलाया और बहुत प्रेम से उनसे बात करने लगे, उनके बाल संवारने लगे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था विष्णु प्रिया को कि इतना प्रेम कभी चैतन्य महाप्रभु करते नहीं थे, तो इनको समझ में आ रहा था कि ये जो दिया है बुझने से पहले एक बार जोर से जलता है वही शायद हो रहा है। तो इतना प्रेम देख करके विष्णु प्रिया रोने लगी, विष्णु प्रिया रोने लगी और चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि उनका सर झुका हुआ था, ये सब प्रेम चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे लेकिन झुकी झुकी नजरों से वो चैतन्य महाप्रभु से कुछ आंखों में नहीं देख रही थी। और लेकिन इतना प्रेम कभी किया नहीं था तो उनको समझ में आ रहा था कि कुछ तो बात अलग है। और वो रोने लगी, रोते रोते उनके आंसू गिरने लगे और वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे गिरने लगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम रो क्यों रही? विष्णु प्रिया तो कुछ बोल नहीं पाई और जोर से रोने लगी। बार बार वो पूछ रहे थे लेकिन वो कुछ नहीं बताई, बस रोती रह गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो, मेरा जीवन तो तुम्हारे लिए ही है ना? नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं केवल राख ही हूं और कुछ नहीं। अच्छा, ओह नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रेम उनको कर रहे थे, बहुत मीठे शब्द बोल रहे थे, लेकिन विष्णु प्रिया ने अंत में ये बोला कि मेरा जो ये सुंदरता है, मेरी जो ये यंग एज है, मेरी जो सेवा है, मेरे कपड़े, मेरे गहने, ये सब आपको ही प्रसन्न करने के लिए हैं, और अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं केवल क्या रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपने जीवन को क्यों धारण करूंगी। तो भगवान भी रोने लगे। फिर रोते रोते भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्वरूप दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण हूं और तुम मेरी पत्नी हो और पिछले कई जन्मों में तुम मेरी पत्नी के रूप में रही हो, तुम ही सत्यभामा हो और इसलिए चतुर्भुज रूप दिखा करके भगवान ने उनको संतुष्ट किया। फिर यह अंतिम रात विष्णु प्रिया के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिताई, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह वादा किया कि फिर भी इस संसार की आज की लोक मर्यादा को देखते हुए जब भी कभी तुम मेरे बारे में चिंतन भी करोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो फिर योग माया की वजह से विष्णु प्रिया सो गई और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर उनको देखने लगे और बहुत देर तक चैतन्य महाप्रभु ने
विष्णु प्रिया को देखा और फिर घर छोड़कर सन्यास लेने के लिए चले गए। सची माता का पैर छूते हुए वो दरवाजे पर सची माता बैठी हुई थी, आंखें खुली की खुली थी। चैतन्य महाप्रभु चले गए, गंगा क्रॉस करके गए। कुछ समय के बाद, सन्यास के बाद, सची माता वहीं रहती, सची माता के साथ विष्णु प्रिया रह रही थी। कोई भी उनको देखता नहीं, उनके चरण के अलावा कुछ और दिखता नहीं, वो कभी सजती नहीं थी। और सची माता जो छोड़ देती वही थोड़ा बहुत खाने की वजह से वो एकदम दुबली पतली और फीकी सी हो गई थी, और हमेशा भगवान का नाम लेती थी। और जब वो इस 16 अक्षर के नाम को, मंत्र को बोल लेती थी, तब वो एक दाना चावल का एक किनारे रखती थी, और जितनी माला, जितनी इस तरह के 16 मंत्र बोल लेती थी, उतने ही दाने वो तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका ही ये जाप करती थी। और फिर जितने मंत्र हो जाते थे उतने दाने ये खाती थी। यही ये भगवान को अर्पित करती थी, सची माता को अर्पित करती थी। कुछ समय के बाद वंशीवदन ठाकुर और ईशान ठाकुर को विष्णुप्रिया देवी और सची देवी की सेवा का अवसर मिला। जब महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, फिर चैतन्य महाप्रभु ने लकड़ी से, मार्गोश वृक्ष से मार्गोच वृक्ष के नीचे एक बार सची माता ने उनको दूध पिलाया था चैतन्य महाप्रभु को, तो इसलिए उसी वृक्ष से इन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने एक विग्रह बनाया और इनको दिया विष्णु प्रिया को। और फिर उनका उपासना वो करती थी। और फिर नवदीप धाप महात्म्य में भी इसका बहुत अच्छे से उल्लेख करते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी। इस प्रकार से वो मूड ऑफ सेपरेशन को चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में लेके आई थी। तो आज हमने इनके बारे में चर्चा किया। आज हम और विस्तार से अभी बाकी जो तिथियां हैं उसके बारे में चर्चा, पुंडरीक विद्यानिधि और रघुनंदन ठाकुर और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, फिर कभी विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप लोग इसको रेगुलरली इसको सुनेंगे। अगर आपके यूट्यूब में भी सुन सकते हैं, पर प्रतिदिन लाइव अगर सुनने का आप एक हैबिट बना लेंगे तो आपकी 16 माला भी हो जाएगी। जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं जिनकी नहीं हुई है 16 माला, तो उनको प्रयास करना चाहिए कि सुबह ही 16 माला आप कंप्लीट करें, है ना। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों